क्या हो गया इसे? तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, सॉरी। मम्मी जी दूर ही रहिए इसे। इसे तो बड़ा जुखाम हो गया है, कहीं बारिश में तो नहीं भीगी थी तुम्हारी बहू? मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपनी प्यारी बहू की मुंह दिखाई सबसे पहले खुद ही कर लूं। अब देखिए ना, मैंने आप लोगों को हार तो दिखा दिया, लेकिन मैंने मीरा को पहनाया नहीं, तो मैं उसे ये हार पहना भी दूंगी और मुंह दिखाई भी हो जाएगी। मीरा बेटा अपना घूंघट उठाओ। क्या करूं? ओ नो, मीरा उठा ना। मुझे वॉशरूम जाना है। हाय हाय, ये सब क्या हो रहा है नित्या जी? तुमने इतनी जोश से हमें यहाँ बुलाया, इतना अच्छा इंतजाम किया, इतना कुछ किया, लेकिन आपकी बहू में कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है, फिर कोई जोश ही नहीं है इसके अंदर। इसलिए मुझे तो लगता है कि इस घूंघट के नीचे मीरा है ही नहीं। सही कह रही मम्मी जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ये सब ना आप लोगों के घर में होता होगा, हमारे घर में नहीं होता। अगर ऐसा नहीं है तो ये अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? इसका चेहरा दिखाओ तो हमें भी भरोसा हो जाएगा। हाँ हाँ, हमें भी भरोसा हो जाएगा। हाँ, 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 हम भी भरोसा हाँ, कर लेंगे। हाँ, ठीक है, ये बात है ना। तो मैं हूँ मीरा। मीरा दरवाजा बंद कर दो। क्या हुआ, कैसे आई तुम यहाँ? पीछे वाले दरवाजे से। ये लो देख लो, ये है मेरी बहू मीरा। जब शुरुआत ही इतनी ड्रामेटिक हुई है तो आगे पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा तुम्हारे साथ सब अच्छा लगेगा। तू ऐसा नहीं कर सकती। तुझे अर्जुन के बारे में नहीं सोचना, तुझे मीरा के बारे में नहीं सोचना। मीरा ठंड में सो रही है, ठंड लग भी रही है। रवि से उठाता नहीं, बहुत थक चुकी है आज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।